आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना विंटर शॉपिंग हॉल, जिसमें मैंने खरीदे हैं डिकैथलॉन से बहुत सारे गारमेंट्स और एक ट्रॉली बैग। ये है वो ट्रॉली बैग, इसकी कॉस्ट है 1700 रुपीज। इसमें कुछ डिस्काउंट था तो ये मुझे 1400 रुपीज का मिला है। इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। यहाँ पर इसमें एक जिप है जिसमें से ट्रॉली के लिए हैंडल आ जाता है बाहर, और लेंथ काफ़ी अच्छी है कि हम खड़े होकर इसको आराम से अपनी हाइट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैंडल चला गया इसके अंदर वापस और ये जिप बंद हो गई। इसमें नीचे व्हील्स हैं जो बहुत अच्छे प्लास्टिक से बने हैं, प्लास्टिक रबर कुछ मिक्स है, मालूम नहीं क्या है। और ये ट्रॉली ऐसे करके गिर ना जाए उसके लिए आगे भी इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है। और इसमें ये जिपर है कि यहाँ पर इसमें अच्छे से कुछ फूड आइटम्स या कुछ बॉटल भी रखी जा सकती है, ऊपर अपना लैपटॉप वगैरह रखा जा सकता है, कैमरा रखा जा सकता है। और उसके बाद यहाँ एक पॉकेट दी है जिसमें कोई मैगजीन, हैंकी, पासपोर्ट या कोई और पेपर डॉक्यूमेंट अपना हम रख सकते हैं। मैं वैसे इसका सबसे ज़्यादा सही यूज़ करने वाली हूँ कि मैं इसके साइज़ का एक बॉक्स, जो ब्रेड बॉक्स मिलते हैं मार्केट में इजीली, वो ये साइज़ परफेक्ट आ जाएगा, वो मैं पहले यहाँ रखने वाली हूँ कि उसमें फूड आइटम्स आ जाएं, ताकि फूड आइटम प्रेस होकर दबे ना और उसके ऊपर बाकी सामान अपना सेट कर सकते हैं। और इस बैग में एक और फीचर है जिसको यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है, और उसके अलावा इसको इस शेप में भी पकड़ा जा सकता है। तो जितना सामान हो उस हिसाब से, जिस तरफ से कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, हम इसको कैरी कर सकते हैं। कलर इसका इतना अच्छा है ब्लैक की हमेशा हर किसी चीज के साथ चल सकता है। अब आती है दूसरी डिकैथलॉन की शॉपिंग, गारमेंट्स। ये जैकेट मैंने लिया है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अलग सा कलर है, यूनिक सा कलर है। इसको बॉयज और गर्ल्स कोई भी वेयर कर सकते हैं। सिंपल कॉलर है, चाहे तो ऐसे यूज करें, चाहे तो इसको फोल्ड ना करें, ऊपर सीधा भी यूज कर सकते हैं। और आगे इसमें जिपर है, दो पॉकेट है जिसमें की जिप लगी हुई है, और ये डबल है पॉकेट, हमें पहनने में कंफर्टेबल हो उसके लिए। इसकी जो स्टिचिंग है वो पीछे एक योक दिया गया सपोर्ट के लिए कि हम बॉडी ऐसे अगर बेंड करेंगे तो कंफर्टेबल रहे और इसकी स्टिचिंग निकले ना। और ऐसा ही एक योक जो है वो आगे भी दिया है, और आगे भी वही कलियों वाली सिलाई इन्होंने लगाई दी है। स्लीव्स में पाइपिंग लगाई है इसी कलर की, लेकिन कपड़ा डिफरेंट है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए कितनी अच्छी है कि हम कभी कभी जो है बाजू को ऐसे पीछे भी अगर कर लें, जैसे कि ये बाजू ज्यादा पीछे नहीं जा रही लेकिन इसकी आराम से चली जाएगी। इसकी कॉस्ट है 1100 रुपीज। वॉशिंग में बहुत ही इजी है, मशीन वॉश कर सकते हैं, हाथ से वॉश कर सकते हैं। और ये वाला जो कपड़ा है ये इस टाइप का होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉशिंग पाउडर या लिक्विड सोप हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, बहुत थोड़े से वॉशिंग पाउडर से इसकी सारी डस्ट जो है वो निकल जाती है। और ये ब्रांड है क्वेचुआ का, जो एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए ये क्लोथिंग बनाते हैं। तो ये क्लोथिंग सबसे ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानी जाती है, कम्फर्ट के लिए जानी जाती है, और इसके लाइट वेट की वजह से ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है जैसे मैंने एक छोटा टॉवल हैंकी हाथ में लिया है, इसका सिर्फ इतना सा वेट है। कलर्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं थे, एक ये कलर था और एक दूसरा ये डिजाइन था। ये डिजाइन भी बहुत अच्छा है, इसमें दो कलर इन्होंने यूज किए हैं, बीच में चेक यूज किया है, और यहाँ पर भी जो डार्क कलर है इसमें उसकी पाइपिंग लगाई है, नीचे भी उसी की पाइपिंग है, जिप में भी वही कलर यूज किया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी खासियत इसको लेडीज जेंट्स कोई भी वेयर कर सकता है, इसकी भी सेम कॉस्ट है, और इसमें एक कलर था वहां पर ब्लैक। तो ये तीन कलर्स थे जिसमें से मैंने ये दो कलर्स लिए हैं। इसको हम लोग में से कोई भी, घर का कोई भी मेंबर पहन सकता है, और अच्छी ठंड में भी खुद को हम बचा सकते हैं बहुत कम कपड़ों के साथ। इसके अंदर अगर एक इनर वियर पहन लें और ऊपर से ये जैकेट पहन लें तो हमारा काम बन जाता है। एक मैंने ये हाफ जैकेट ली है, ये भी क्वेचुआ ब्रांड की है। इसमें भी हमारी बॉडी के हिसाब से, जैसे हमारी बॉडी मूव करती है उस हिसाब से इन्होंने स्टिचिंग की है। ये पीस यहाँ से अलग से कटिंग किया गया है, पीछे का पूरा पीस, और फिर इसको जोड़ा गया है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और आगे से भी इसकी कटिंग एकदम डिफरेंट है, ये पीस अलग से काटा गया और फिर इसको स्टिच किया गया है। यहाँ पर वही कली सिस्टम है आगे भी और पीछे भी। स्लीव्स का कट इतना है कि ये जो स्लीव है ये यहाँ तक नहीं रहेगी,
अच्छी यहाँ तक आ जाती है। मैं ये आपको पहनकर दिखाती हूँ कि इस तरह से इसको मैं अंदर कर देती हूँ। अगर बहुत स्मार्ट लुक आती है क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, कट बहुत अच्छा है इसका। ब्लैक की कॉम्बिनेशन में इन्होंने जिपर के लिए जो ये थ्रेड दिया है, ये ऑरेंज कलर का दिया जो इस पे अच्छा लग रहा है। अंदर नेट है तो पॉकेट जो है काफी सेफ है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है कि इन्होंने यहाँ पर भी एक जिप दी है जिसमें कि हम अपना फोन रख सकते हैं। वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ट्रेकिंग के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ हम फोन रख सकते हैं, चाहे तो उसके हैंड्स फ्री कान में लगा सकते हैं या इसमें हम मनी भी रख सकते हैं। इसमें कलर सिर्फ ब्लैक ही था और इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज। साइजेस बहुत सारे थे। डीकैथलॉन में जाकर एक फायदा होता है कि डबल एक्सेल तक हमें साइज मिल जाता है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट आइटम है, बहुत कॉमन सा आइटम है, पजामा। ये भी क्वेचुआ का है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और इसकी कॉस्ट है 800 रुपीज। वेट वही एक सिंपल छोटे टॉवल हैंकी जितना वेट है, बल्कि इसका वेट तो उससे भी कम है क्योंकि जैकेट में जिप लगी हुई थी, जिपर थे उनका वेट था, लेकिन इसमें वो सब कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका एक माइनस पॉइंट है कि इसमें पॉकेट नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। अब ये जो पजामा है ये सिर्फ उस समय यूज हो सकता है जबकि आप बेड के अंदर जा रहे हैं, उसके अलावा हम इसको नहीं पहन सकते। अदरवाइज सारे दिन भर कभी कभी पॉकेट में हाथ डालने का दिल कर जाता है, तो इसमें पॉकेट नहीं है। और इन पजामों की एक और माइनस पॉइंट की इनकी जो लेंथ है उन्होंने बहुत लंबी रखी है, तो मैक्सिमम सभी को ये अल्टर कराने होंगे, नीचे से कटिंग करवा के अपनी हाइट के बनवाने होंगे, जो कि वहां पर बिल्कुल नहीं होती। वो हमें बाहर अलग से पैसे खर्चने होंगे अल्टरेशन वाले को। लेकिन पहनने में बहुत ही ज्यादा लाइट है, एकदम बॉडी के साथ मर्ज हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि हमने कोई कपड़ा पहना है। और विंटर्स में जब हम क्विल्ट के अंदर होते हैं, ब्लैंकेट के अंदर होते हैं, तो कपड़े बहुत हमको अनकंफर्टेबल बना देते हैं क्योंकि वो रोल हो जाते हैं, कभी मुड़ जाते हैं, कभी लेग्स पे से हाथ पे से ऊपर आ जाते हैं। ये कपड़े इतने लाइट हैं कि बॉडी के साथ एकदम लग कर रहते हैं, अलग नहीं होते। नेक्स्ट आइटम है मेरा ये कार्गो पैटर्न की एक ट्राउजर, जिसमें यहाँ पर पॉकेट दी है इन्होंने, ऊपर यहाँ साइड में इलास्टिक है, लेकिन बेल्ट के लिए भी प्रोविजन है। इसमें कलर लेकिन एक ही मिलेगा और इसकी खासियत ये है कि इसमें बेल्ट और ये इलास्टिक होने की वजह से इसको अच्छे से अच्छे मोटे टमी वाले लोग भी इजीली वेयर कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे पैंट को इतना आसानी से नहीं पहन पाते। और अंदर से इसमें पूरी वॉर्म पजामे की एक लेयर है, जैसा कि पजामा मैंने अभी आपको ब्लैक दिखाया, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट और गर्म इसमें अंदर लेयर है, पूरी फुल लेंथ है। और इसमें आगे जिप है, दोनों साइड में पॉकेट्स हैं, और ये भी हमारी बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग इन्होंने कटिंग करके स्टिच किया हुआ है, ताकि हम नी वगैरह बेंड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेंथ इसकी भी बहुत ज्यादा है, जिसको कि कटिंग करवाना ही पड़ेगा। और इन सब कपड़ों की एक सबसे बड़ी खासियत कि ये मशीन वॉश हो जाते हैं, इनके लिए कोई अलग से सोप नहीं रखना पड़ता, अलग से कोई इनको वॉशिंग का सिस्टम नहीं है। हम चाहे मशीन में इनको डालें और सिंपली जैसे और कपड़े वॉश करते हैं इनको वॉश कर लें, लेकिन सेपरेटली वॉश करेंगे तो कपड़े की वुलननेस है वो किसी और थ्रेड को, किसी लिंट को पकड़ने की होती है, तो वो नहीं होगा अगर हम इन कपड़ों को सेपरेट मशीन में वॉश करेंगे। तो डीकैथलॉन एक बहुत ही अच्छा स्टोर लगा मुझे, जहाँ से हम अपनी विंटर्स के लिए रीजनेबल रेट पर बहुत अच्छे गर्म कपड़े खरीद सकते हैं, जो कि बाहर हमें इजीली नहीं मिलते। मैं डीकैथलॉन को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ उनके आइटम्स को, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे घर में हम सभी मिलकर वहाँ से बहुत सारे ऐसे आइटम लेते हैं जो कि हमारे रोजमर्रा में यूज होते हैं, जो कि हमें बाहर नहीं मिलते, या मिलते हैं तो महंगे मिलते हैं, क्वालिटी उनकी पुअर होती है। डीकैथलॉन का एक फायदा है कि वहाँ पर क्वालिटी जो है वो नंबर वन होती है, क्वालिटी से बिल्कुल भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और कोई खास डिस्काउंट्स भी उनके पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, कभी कभी होते हैं, जैसे आज मुझे इस बैग में डिस्काउंट मिल गया। तो आप जाइए वहाँ पर, सर्दियों के लिए बहुत ही जबरदस्त अच्छी कलेक्शन है, चाहे वो ग्लव्स हो, इनर हो, आउटर हो, आप वहाँ जाकर जरूर लीजिए और देखिए और मुझे बताइए अगर आपको वहाँ से कुछ लेना अच्छा लगा हो तो। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।